दोस्तों, वेलकम टू द फूडी जर्नी विद शिवम। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी का पराठा। और मेथी का पराठा गुजराती में इसे ठेपला भी बोलते हैं। तो आज ये कैसे बनता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें। तो दोस्तों, हमें मेथी के पराठे के लिए हमें क्या लगेगा, हमें मेथी ले लेना है। मेथी ला के आपको उसको अलग कर देना है, इसलिए पत्ते के टाइप में आप उसको अलग अलग कर लीजिए डंडे से। और उसके बाद उसको बारीक चॉप कर लीजिए, जैसे मैंने इसको बारीक चॉप किया है। उसको आप धो के अच्छे से बारीक चॉप कर लीजिए। चॉप करने के बाद आपको मेथी के लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और आपको चिली ग्रीन चिली लेनी है, और आपको यहाँ 1/3 आपको कर्ड लेना है, कर्ड मिक्स करना है, और आपको 3 स्पून बेसन लेना है। बेसन लेने के बाद और आप बीट फ्लोर इतना लेना है आपको, जितना कि आप मेथी 1 कप आपकी मेथी है तो आप 1.5 कप आप अपना आटा ले सकते हैं बीट फ्लोर। तो उसके हिसाब से जितने आपको मेथी है उसके हिसाब से आप आटा दीजिए। और उसके अंदर जो हम क्या क्या भी मिक्स करेंगे, हम इसमें चिली मिर्ची भी, हम इसमें टर्मरिक मिक्स करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची मिक्स करेंगे, और इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके हम बनाएंगे मेथी का पराठा। तो हमने बीट फ्लोर ले लिया है, बीट फ्लोर लेके उसमें हम इसमें मेथी मिक्स कर लेंगे। मेथी मैंने जितना बताया था आप उसको मिक्स कर लीजिए। मैंने मेथी मिक्स कर लिया है। मेथी के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। जिंजर गार्लिक का पेस्ट के बाद हमने ग्रीन चिली डाल देते हैं, ग्रीन चिली मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें हल्का सा टर्मरिक मिक्स करेंगे। तो इसमें हम 1/2 स्पून टर्मरिक डाल देते हैं। टर्मरिक डाल दिया, टर्मरिक डालने के बाद इसमें हम 1 स्पून रेड चिली डाल देंगे। रेड चिली डाल दिया, उसके बाद हम इसमें 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। 2 स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। और उसके बाद हम इसे अच्छे से, इसमें हम 1 स्पून ऑयल मिक्स करेंगे। 1 स्पून हम इसमें ऑयल मिक्स कर देंगे। ऑयल मिक्स करने के बाद इसमें हम अपना कर्ड मिक्स कर देंगे, जितना मैंने कर्ड लिया था कर्ड मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको हल्का हल्का पानी से हम इसको डाउ इसमें, और हम इसमें बेसन मिक्स कर देंगे। बेसन भी हमने मिक्स कर दिया। और इसके बाद हम धीरे धीरे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम इसका डव बना देंगे। डव अच्छा मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो हमको उस हिसाब से इसको डव बनाना है। तो हम इसकी बनाते हैं। और इसमें हम आप स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 स्पून नमक ऐड किया है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। तो आपको पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए तो ये अच्छा पहले हो जाएगा। फिर इसका धीरे धीरे इसमें आप पानी मिलाइएगा और इसको अच्छे से आप डव बना लीजिएगा। तो आपका ये अच्छा डव बन जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा। अब इसमें हम हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के हम इसका डव बना लेंगे। हल्का सा पानी मिक्स करना है और आपको अच्छे से इसका डव बना लेना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपको और अच्छा से इसमें बन जाएगा। और आपको इसको मीडियम बनाना है, ज़्यादा ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज टाइप का भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम आए। तो आप इसको अच्छे से इसको बना लीजिए, जिससे मेरा ये डव बन गया है। तो ये हमारा डाव रेडी हो गया है। इसको हम हल्का सा ऑयल लगा के, इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा के और इसको हम थोड़ा 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट के, तो इसका जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी होगा सब निकल जाएगा। और इसके बाद हम इसको अच्छे से बना के, राउंड शेप बना के, और इसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, परत लगा के तेल से सेक लेंगे। आपको डाव के इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस करने के बाद इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। आपको इसको अच्छे से बेल लेना है और गोल गोल इसको बेलने के बाद इसको आपको दोनों परत तेल लगा के इसको तवे में देख लेना है। एक तरफ आप तवा लगा चढ़ा सकते हैं, जिसको तवा अच्छा गर्म हो जाएगा, तवा गर्म हो जाएगा तो आप उसको दोनों तरफ से सेक सकते हैं। तो आपको इस तरह कर लेना है।
देख सकते हैं हमारा ये अच्छा गोल बन गया है। अब इसे हम तवे में सेकेंगे। आपको तवा गरम कर लेना है। तवा जब अच्छा गरम हो जाए, एक्सट्रीमली गरम हो जाए, तब आपको आपका मेथी का पराठा इसमें डालना है। और डालने के बाद अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक के उसमें दोनों तरफ से ऑयल लगा के और अच्छी तरह से सेक के फिर उसको आप भर सकते हैं। देख सकते हैं तवा अच्छा गर्म हो चुका है। तब इसमें हम अपना मेथी का पराठा डालेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। एक तरफ से सेक गया तो इसमें हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। यह हमारा दूसरी साइड से भी हो गया है तो हम इसमें इधर साइड से भी हम ऑयल लगा लेंगे। और इसको भी एक साइड से उस साइड से भी सेक लेंगे हम इसको। जब हमारा दोनों तरफ अच्छी तरह से हो जाए पक जाएगा तो आप इसको उतार के रख सकते हैं। ये देखते हैं ये हमारा दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे।